झारखंड में जमीन की लूट की आंच सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी लगातार इस मामले को लेकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई लोग उसकी जद में हैं, यहां तक कि सत्ता के प्रमुख लोगों तक भी उनकी जांच पहुंच चुकी है। पिछले दिनों ही कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मांडर के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने इस बात को लेकर चिंता जताई और एक विज्ञप्ति भी जारी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से झारखंड में ज़मीन की लूट मची है। उनके कहने का इशारा ये भी था कि किस तरह इस लूट में जो अधिकारी कर्मचारी और सीईओ हो, तमाम जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासी के बड़े नेता प्रेम शाही मुंडा जी। दादा, आप तो इस विषय को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। अब कांग्रेस के अंदर से ही आवाज़ उठी, यानी सत्ता के अंदर से आवाज़ उठी, अब लग रहा है कि एकदम बिल्कुल हाई टाइम है इस पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, और सराहनीय कदम है जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बंधु तिर्की जी ने इस आवाज़ को उठाया है। उनकी उपज ही आदिवासी आंदोलन से हुआ है। और तो मैं कहना चाहता हूँ आपके मंच और मीडिया के माध्यम से कि माननीय बंधु तिर्की जी इस बात को यहाँ की सरकार के मुख्यमंत्री को रखें और एक विशेष टास्क फोर्स बनाया जाए आदिवासियों की ज़मीन लूट को लेकर के, क्योंकि आदिवासी की ज़मीन की लूट इतनी भयावह हो रही है, इतनी ज़ोरों से हो रही है कि डेली यदि आप कचहरी पे जाएंगे तो डेली सत्ता पर मतलब सादा पट्टा पर जो है टाइप हो रहा है, और रोज़ सीओ के यहाँ मतलब कानून का वायलेशन करके जिसका मोटेशन नहीं होगा उसका भी किया जा रहा है, भूमिहरी ज़मीन का किया जा रहा है और जरपेशकी का ज़मीन किया जा रहा है, ऐसे ऐसे मोटेशन हुआ जा रहा है जो नहीं होने का प्रावधान है, लेकिन मोटी रकम दे करके किया जा रहा है। ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है और बंधु तिर्की को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम जमीन के मामले को लेकर के हमारी संगठन आदिवासी जन परिषद और जितने भी जो हमारे समर्थक संगठन है सब कॉन्शियस है और इसको आने वाला समय में जमीन का गुलगुलान जमीन लूट के लिए खिलाफ में आंदोलन हम लोग तेज करने वाले हैं। दादा, ये भी सवाल है ना कि जब इस पूरे जमीन घोटाले की जांच ईडी भी कर रहा है, उसकी जो धमक है वो सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है, तो फिर उसी सरकार से इसकी जांच हो और वो फ्रूटफुल रिजल्ट दे, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है कि सरकार का मैकेनिज्म सब रहता है, मुख्यमंत्री रेवेन्यू मंत्री भी हैं, वो चाहेंगे तो विशेष टास्क फोर्स बना करके जो हमारा 4000 लगभग है, 4500 लगभग हमारे एसआर कोर्ट से कोर्ट के मतलब दखलदानी का आदेश के बावजूद भी अभी नहीं किया जा रहा है, तो ये सरकार चाहेगी तो हो जाए, क्योंकि यहाँ जितने भी नौकरशाह आए हुए हैं बाहर के लोग हैं और शिथिलता बरतते हैं लोग, और कभी भी ज़मीन के मुद्दे को लेकर के या तो देखते हैं, आए दिन देखने को मिलता होगा कि कभी भी हमारा रेत थाना में जाते हैं तो पैसा मांगता है दखल दहानी दिलाने के लिए या ज़मीन को बचाने के लिए नहीं, और हमारा जो ज़मीन दलाल के लोग हैं, जो माफिया तत्व लोग हैं, उससे पैसा लेकर के उसके काम करते हैं। इसलिए सरकार के जो सत्ता के गलियारों में ये बात आई है तो इसका मतलब हमारे माननीय बंधु तिर्की जी इसके संज्ञान ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इस बात को यहाँ के मुख्यमंत्री को मतलब सूचना दी जाए और कैबिनेट में एक निर्णय ले कि कोई भी ज़मीन कानून भी बनाया जाए, कोई भी ज़मीन को यदि गैर कानूनी ढंग से लिया जाता है तो अफसर बर्खास्त हो, ये नियम कानून बनना चाहिए ताकि ज़मीन की लूट रुके, कानून समस्त रुके। तो इसलिए सत्ता के गलियारों में जो आया है तो इस सवाल ये भी नहीं था, अगर सत्ता के अंदर से आवाज़ उठी है, सरकार उन्हीं की, उनके मंत्री हैं, 4 कैबिनेट मंत्री हैं, तो फिर सरकार पर दबाव बनाए पार्टी, फिर बोलने की क्या ज़रूरत है? सरकार पर दबाव बना काम कराए ना। सही बात कहा आपने, बंधु तिर्की जी सरकार के पार्ट हैं, सत्ता के पार्ट हैं, उनको इस बात पर प्रेस बयान देना अच्छी बात है, लेकिन इस पर हम ये कहेंगे कि इस पर स्वयं सरकार हैं, प्रेस बयान देने की क्या ज़रूरत है? आपको तो तुरंत टास्क फोर्स बना करके इस पर स्पेशल बैठक करके आदिवासियों का जो छीनी हुई जितनी ज़मीन है उसको वापस करने का काम करें। ये लग रहा है कि चूँकि अब चुनाव भी नज़दीक है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन का तुरंत अब नोटिफिकेशन होने वाला है, इस बीच में ये सारा काम हो पाएगा? देखिए, सरकार आती जाती रहती है और इलेक्शन भी होते रहते हैं, ये काम सरकार को कम से कम 3 पहले करना चाहिए था, लेकिन अब सरकार एक अभी हाल में ही पार्लियामेंट का चुनाव होगा और देखते हैं कि विधानसभा का कभी चुनाव 2024 में होगा, तो इससे पहले जो किया जा रहा है वो राजनीतिक बू तो आती है, लेकिन इसको अभी भी समय है, यदि ये चाहेंगे तो 2 के अंदर विशेष टास्क फोर्स बना करके सीधे छापा मारे और
जहाँ पर अवैध कब्जा किया गया है आदिवासी जमीन पर, बुलडोजर चला करके उसको ये किया जाए। ये यदि सरकार चाहेगी, मुख्यमंत्री चाहेंगे, बंधुतिर्की चाहेंगे, हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंधुतिर्की जैसे लोग या मुख्यमंत्री से लोग यदि बोलेगा कि हमारा ज़मीन छीनी जा रही है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे संगठन के माध्यम से कि सरकार को, कि अभी भी वक्त है कि आप बैठक करके आदिवासियों की ज़मीन को बचाने का काम करें। तो आपने सुना किस तरह से प्रेम शाही मुंडा ने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, सरकार को चाहिए इस पर त्वरित कार्रवाई करे। और त्वरित कार्रवाई के तहत सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके इस पर काम शुरू किया जा सकता है। भले ही चुनाव नज़दीक हैं, बावजूद इसके अगर सरकार कमिटेड होकर काम करेगी तो इसका रिजल्ट आ सकता है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो, जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुकी बरवाड्डा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।